los momentos importantes. हेलो गाइस, अगर आप सब मनी हाइस्ट के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 times प्रोफेसर आउटस्मार्टेड द कॉप्स के बारे में। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। अगर आपको मनी हाइस्ट के बारे में पता नहीं है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये सीरीज है प्रोफेसर और उसकी गैंग के बारे में, जो कि बहुत सारी अनबिलीवेबल हाइस्ट करती हैं, जो कि उनकी कंट्री की सबसे बड़ी चोरियां रहती हैं। और जिस तरह से ये सीरीज की हाइस्ट और उसकी स्टोरी लाइन को प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, जिसके चलते इसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, गेटिंग टोक्यो बैक। अगर आप मनी हाइस्ट के फैन हो तो टोक्यो के कैरेक्टर से तो आप फेमिलियर होंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर है। पर टोक्यो एक ऐसी मिस्टेक कर देती है जिसके कारण वह पुलिस के हाथों मारी भी जा सकती है। एक सीन में दिखाया गया था कि टोक्यो पुलिस ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म पहनते हुए बाइक में बैंक में फिर से घुसने के लिए आती है। सुआरेज और उसकी टीम टोक्यो को स्पॉट कर लेती है और ओपन फायर करने का फैसला दे देती है। रियो ये चीज को देख लेता है और टीम को इसके बारे में बता देता है। ऐसे करते हुए टीम अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए टोक्यो को अंदर सुरक्षित ले लेती है। ऐसा करते हुए प्रोफेसर और उसकी टीम पुलिस को हराने में कामयाब हो जाती है। नंबर 6, मैसेकर। एंजल जब अंदर आता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर अपनी टीम को ये बताता है कि सब अपने मास्क चेंज कर ले, क्योंकि प्रोफेसर को अंदाजा हो जाता है कि पुलिस और उसकी टीम अंदर प्रोफेसर की तरह डाली मास्क पहनकर आ सकती है। अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके प्रोफेसर अपनी टीम को कहता है कि वो सभी मास्क को बदल दे। एंजल जब ये देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो अपनी टेंट की ओर भागे चला जाता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रकेल को इसके बारे में बताना चाहता है। एजेंट सुआरेस और इंस्पेक्टर रकेल का कनेक्शन बीच में ही टूट जाता है, जिसके कारण सुआरेस और उसकी टीम की जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो डाली मास्क पहने हुए अंदर घुसने का प्लान बना रहे थे। प्रोफेसर का यह स्मार्ट मूव देखने के बाद इंस्पेक्टर रकेल और उसकी टीम अंदर फिर से जाना है या नहीं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 5, अ कॉल फ्रॉम रकेल्स मदर। जैसे हम सब ने सीजन 1 में देखा ही है कि प्रोफेसर टेंट के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रकेल का सारा सेटअप देखना चाहता था और वो ये अंदाजा लगाना चाहता था कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। प्रोफेसर को जब रकेल की माँ का फोन आता है और वो ये बताती है कि रकेल की डॉटर के बारे में उसे कुछ न्यूज बतानी है, तो वो इस फोन कॉल का इस्तेमाल करके टेंट में घुस जाता है। क्योंकि अगर आप रकेल के कैरेक्टर को अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपको पता ही होगा कि उसकी डॉटर उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर जब टेंट में एंटर करने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं, पर जब वो ये बताता है कि वो फोन कॉल रकेल की माँ की तरफ से है तो उसे अंदर भेजा जाता है। जब तक रकेल फोन कॉल पर बिजी होती है, प्रोफेसर ये अंदाजा लगा लेता है कि टेंट में सारे पुलिस ऑफिसर्स उसके खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। नंबर 4, इट्स शो टाइम। अगर आप मनी हाइस्ट को अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रोफेसर कोई भी मौका नहीं छोड़ता पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। प्रोफेसर बर्लिन को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि सभी गैंग मेंबर्स एक ही टाइम पर ओपन फायर करें। उसी टाइम पर नैरोबी सारे हॉस्टेजेस को ये बताती है कि वो एक टाइम पर चिल्लाना स्टार्ट कर दे। ये सब आवाजों को सुनकर इंस्पेक्टर रकेल के तोते उड़ जाते हैं। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए रकेल प्रोफेसर को फोन करती है। प्रोफेसर फोन पर हंसता है और पुलिस को फिर से बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 3, द लास्ट चांस। ये होता तब है जब प्रोफेसर सालवा बनकर इंस्पेक्टर के साथ कहीं और रहता है। उसी समय पर हॉस्टेजेस को डाली मास्क पहनाकर गैंग मेंबर्स बाहर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर एंजल अपनी टीम को ये बताता है कि कोई भी गोली ना चले, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनमें से हॉस्टेज कौन है और गैंग मेंबर कौन। सीजन 1 में जब मोनिका गस्तांबेदे एक हॉस्टेज रहती है, वो अपना मास्क निकालकर जो कुछ भी गैंग उसे कहने को कहती है वो पुलिस के आगे बयान कर देती है। ये सीन से हमें पता चलता है कि प्रोफेसर अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके हॉस्टेजेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, द वल्नरेबल की।
एंजल को जब बैंक के बाहर भेजा जाता है तो उसके ग्लासेस में एक सीक्रेट माइक्रोफोन को फिट करके छोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर रकेल और एंजल ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें प्रोफेसर की कार के बारे में पता चल गया है और वो एक डंप यार्ड पर मौजूद है। क्योंकि प्रोफेसर उनकी बातें सुन रहा होता है, वो फौरन डंप यार्ड पर चला जाता है जहां पर वो अल्कोहल का इस्तेमाल करके सारी कार को धो देता है ताकि पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता ना चले, और वो एक होमलेस बेगर का रूप लेकर पुलिस को बड़े ही आसानी तरीके से चकमा देने में सफल हो जाता है। नंबर 1, द अबैंडन कंपाउंड। मनी हाइस्ट की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग का मेन रीजन है प्रोफेसर के मास्टर प्लान्स, जो कि ऑडियंस को एक मिस्ट्री और सस्पेंस के माहौल में छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर रकेल को सुआरेस का फोन आता है कि उसे प्रोफेसर और उसकी गैंग के घर के बारे में पता चल चुका है। इसी के चलते रकेल साल्वा को कहती है कि उसे लेकर वो उस कंपाउंड पर चले जाए। जब दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि वहां पर प्रोफेसर और उसकी गैंग ने किस तरह इस हाइस्ट को प्लान किया था, और साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्हें मिलती हैं। आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर जो कुछ भी चीज़ों को वहां पर छोड़ता है वो सब जानबूझ के है, ताकि वो पुलिस ऑफिसर्स को भटकाने में लगा हुआ रहता है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही आसानी तरीके से प्रोफेसर यहां पर भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अगर आप ऐसे ही मनी हाइस्ट के बारे में एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानना चाहते हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशन लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।